अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान नवाज है। क्वालिफिकेशन मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। मैंने एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की 2011 में, और इसके साथ मैंने ट्रेनिंग हासिल की वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट में कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से। इस वक्त मैं जाफर एग्रो सर्विसेज के साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिवीजन के अंदर एज ए मैनेजर अग्रोनॉमिस्ट काम कर रहा हूँ 2019 से। और मेरी एक्सपर्टीज जो है सब्जियात के अंदर हैं, बागवानी के अंदर हैं, फार्म मैनेजमेंट के अंदर और इसके साथ डेयरी फार्मिंग के अंदर है। जाफर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स को ज्वाइन करने का जो मोटिवेशन था, तो उसकी मैं थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब मैं मिचेल्स फ्रूट फार्म पे एज ए फार्म एंड डेयरी मैनेजर काम कर रहा था, तो जिस वक्त वहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया, तो उसके ऊपर जो हमें सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आता था वो क्रॉप एग्रोनॉमी के ऊपर था कि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कैसे हमने फसलों को लगाना है, कितना पानी देना है, कितनी खादों का इस्तेमाल करना है, तो इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल रहनुमाई कहीं से नहीं मिलती थी। तो जब तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर पर अमरीका में जब मैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गया, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सीखने का मौका मिला। और जाफर एग्रो सर्विसेज को ज्वाइन करने का मोटिवेशन यही था कि जो कुछ मैंने सीखा है वो वतन अजीज के किसानों तक उसको पहुंचाया जाए। इस वक्त ड्रिप इरिगेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे जो अहम रोल है वो एग्रोनॉमी जो टीम होती है उसका बहुत अहम रोल होता है। माजी में जाफर एग्रो सर्विसेज भी दूसरी कंपनियों की तरह सिर्फ पाइप इंस्टॉल कर रही थी, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है वो लगा रहे थे, लेकिन ज़िम्मेदारों को उसका उनके मतलूबा जो नतज थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो तब जाफर एग्रो सर्विसेज की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि कैसे जो है इसके ज़िम्मेदार की पैदावार को बढ़ाया जाए और वो मतलूबा नतज जो है वो अखज कर सके। उसके लिए उन्होंने फैसला किया कि एग्रोनॉमी टीम को जो है वो इंडक्ट किया जाए। तो 16 एग्रोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे पंजाब और सिंध के अंदर हैं जो कि जिम्मेदारों को क्रॉप लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर मरहले के ऊपर जो है वो रहनुमाई करते हैं। और हमारा मिशन यही है कि कम अखराजात के साथ साथ जिम्मेदार की पैदावार को बढ़ाना है और उसको तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ के अंदर लाके खड़ा करना है। अगर मैं पीछे तफसील थोड़ी सी बताऊं कि इस वक्त जाफर इरिगेशन सिस्टम्स में इतने एकर्स के ऊपर जो है वो लगा चुके हैं और उनके अंदर रेशो क्या है, तो अब तक जाफर एग्रो सर्विसेज 42,000 एकड़ के ऊपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा चुकी है, जिसमें 30,000 एकड़ जो है बागात के ऊपर लगाए गए हैं, 6,500 एकड़ सब्जियात के ऊपर हैं और बाकी जो 5,500 एकड़ हैं वो आम फसलात के ऊपर लगाए गए हैं, जैसे आलू और मक्की, कॉटन, इन फसलात के ऊपर। तो बागात में सबसे ज्यादा जो है वो हाई डेंसिटी का रुझान जो है वो पिछले सालों से जो है वो काफी बढ़ा है और हमारे जिम्मेदारों ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर काफी अच्छे रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है, जिसमें सिट्रस है, अमरूद है, आम है, खजूर है, तो ये सबसे टॉप के ऊपर जो है ये बागात है। तो जिनकी तफसील हम आने वाली वीडियोज के अंदर जो है वो आपके साथ जरूर जो है डिटेल के अंदर जो है वो शेयर करेंगे। अगर हम कुछ इसके अलावा जो हमारे तजर्बात जो इस वक्त कुछ फसलात के ऊपर चल रहे हैं अगर उनकी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं, तो इस वक्त इन हाउस हमारे ट्रायल चल रहे हैं गन्ने के ऊपर, उसमें सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर हम गन्ना जो है वो उगा रहे हैं और पिछले 2 सालों के साथ बड़ी कामयाबी के साथ हम इसमें अच्छे नतज हमने हासिल किए हैं। पिछले साल हमारे 7 जगह के ऊपर जो वो ट्रायल लगे हुए थे उसमें जो पैदावार आई वो हमारी 1450 मन तक हमारी जो है फी एकड़ पैदावार रही और इस साल वही मोडी फसलें जो है वो चल रही हैं और बड़े अच्छे जो है इंकरेजिंग जो है उनकी ग्रोथ है और बड़े अच्छे जो है रिजल्ट जो है हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम गंदम के ऊपर, चावल के ऊपर, जैसे DSR जो है डायरेक्ट सीडिंग राइस वो ड्रिप इरीगेशन के ऊपर जो है वो उगा रहे हैं इनके ऊपर, इसके अलावा कपास के ऊपर हमारे तजर्बात चल रहे हैं और अच्छे नतज जो है हमें मिल रहे हैं। अगर हम बात करें आलू और मक्की की, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छी कामयाबी के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमारे जाफर इरिगेशन
की टीम ने 1270 एकड़ के ऊपर जो है वो आलू, खास तौर पे कसूर, दीपालपुर, उकाड़ा, और मुल्तान जोन के अंदर हमने लगाए। तो उसके लिए हमने पूरी एक टीम जो है वो इंडक्ट की, और उसमें 11 प्लांटर जाफर एग्रो सर्विसेज ने मुहैया किए, जिसमें सोइंग से लेकर प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर स्टेज के ऊपर हमारे जो एग्रोनोमिस्ट थे उनको गाइड कर रहे थे, उनकी क्रॉप की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस वक्त क्रॉप को कौन सी फर्टिलाइजर की जरूरत है, कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है, इन दिनों के अंदर सिस्टम आपने कितनी देर के लिए चलाना है, कितना पानी देना है। तो और हार्वेस्टिंग तक जो है हम निगरानी करते रहे, क्रॉप की मॉनिटरिंग करते रहे, और फिर हार्वेस्टिंग अपनी निगरानी के अंदर की, और उनकी सब की हमने जो 1270 एकड़ के ऊपर हमारे ये जो आलू लगा हुआ था तो उसकी हमने एक एक जिम्मेदार की पैदावार हमने की, और बहुत अच्छी जो है वो पैदावार मिली, जिसमें खास तौर पे जो है लेडी रोजेटा वैरायटी लगी हुई थी, और पेप्सी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारे सारे जिम्मेदारों का। तो पेप्सी ने उनको 1 केजी के ऊपर जो है 1.5 रुपया फी केजी जो है उनको इंसेंटिव भी दिया, तो ड्रिप के ऊपर उनकी जो फसल थी, और इसके साथ उनकी क्रॉप के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी और पैदावार जो है वो भी ज्यादा थी। तो इसके अलावा हम मक्की के ऊपर जो है वो बड़े अच्छे नतायज हासिल किए हमने। पिछले साल 80 एकड़ के ऊपर हमारी मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो लगी हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इन फसलात को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जाफर एग्रो सर्विसेज की एग्रोनॉमी टीम का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, और ये हमारी एक्टिविटीज का कि हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा और अगली तफसीली वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।